हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये आप बहुत सुंदर फूलों वाली जो देख रहे हैं बेल, ये बेल है एक्चुअली वाइन, और इसका नाम है गार्लिक वाइन, लहसुन वेल बोलते हैं। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ये उसी के हैं, और ये मैंने अभी खरीदी है, 3-4 दिन हुए हैं, और इसको मैंने 200 रुपीज़ का ख़रीदा है, और ये पॉट में ख़रीदा है इस पॉट में, और ये अभी छोटी है, इसको मैंने अभी उसमें लगाया नहीं है, इसकी जो ट्रेलिस बनाना है वो नहीं बनाई है मैंने, तो अभी बनाऊंगी वो ट्रेलिस, फिर आपको दिखाऊंगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। पहले आप देख लीजिए कि कितनी छोटी बेल है और इसमें कितने फूल आते हैं, इसमें बेतहाशा फूल आते हैं, लदी रहती है फूल बेलों से, और आसान है बहुत इसको लगाना। और इसको लहसुनिया बेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जब आप पत्ते तोड़ के और थोड़े से सूंघते हैं ना, तो उसमें से गार्लिक लहसुन जैसी स्मेल आती है। और इस बेल की खास बात यह है कि इस बेल को आप जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे मक्खी मच्छर काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो स्मेल निकलती है वो उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बात करती हूँ कि मैं इसको कैसे लगाना चाहिए। देखिए, इसको वैसे तो ये हर तरह की मिट्टी में लग जाती है, बहुत टफ बेल है ना, लेकिन आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको वेल्ड्रेन सॉइल ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पौधा हो उसमें पानी अगर रुकता है तो उसकी रूट सड़ जाती हैं, तो आपको पानी का ध्यान रखने के लिए वेल्ड्रेन सॉइल बनाना पड़ेगी, 1 part sand, 1 part compost, 1 part garden soil। देखिए, ये जो बेल है ये तो आपको मैंने मिट्टी का बता दिया, और ये जिसमें इसमें कलर और भी आते हैं, ज़्यादातर जो कलर देखने को मिलता है वो पिंक कलर देखने को मिलता है, गुलाबी रंग, और ये मुझे अचानक ही मिल गई इस कलर की, तो मैंने उसको कन्फर्म करने के लिए भी ना पत्ती तोड़ के सूंघी कि ये वही वाली है कि नहीं है। इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, वो सब का भी बाद में बात करेंगे। दूसरे, इसका फूल जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, समझिए 5-6 दिन चलता है, और रंग बदलता रहता है। देखिए, जब कलियाँ होती हैं, जब स्टार्ट होती हैं तो डार्क कलर की होती हैं, और फूल जब खिलता है नया फूल तो वो डार्क कलर का होता है। अब इसमें कौन सा है डार्क कलर का, ये वाला है डार्क, और धीरे धीरे वो लाइट होते होते काफ़ी लाइट हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले नहीं है इसमें से फूल जो सूख गए थे, देखिए इस तरह का हो जाता है, फिर वो गिरता है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी, कि इसकी लोकेशन, इसको कहाँ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जितनी भी हैवी फ्लावरिंग वाली बेलें होती हैं वो सब सन लविंग होती हैं, उन्हीं की तरह ये भी सन लविंग है। इसको आप जहाँ भी लगाएंगे, अच्छी धूप मिले इसे, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे कि इसको 3-4 घंटे की तो मिनिमम धूप मिले ही मिले, तेज़ धूप अच्छी है ना, तो ये बहुत अच्छी चलती है। दूसरे ये कि इसमें बहुत हैवी फॉलिएज होता है, तो इसको आपको जब भी लगाएंगे आप किसी सॉलिड जगह पे लगाइए, क्योंकि इसकी जो बेल होती है ना, इसकी जो ये स्टेम होती है, ये लकड़ी जैसी मोटी हो जाती है ना, तो अच्छा रहता है कि आप नीचे से 5-6 फिट का इसको खाली रखें, उसके बाद उसे आप फव्वारे की तरह ऊपर चढ़ने दें, तो वो बहुत अच्छी चलती है। ऊँचे ऊपर आप छपरी वगैरह बना लेते ना, ट्रेलिस लगा के या लोहे का सांचा बना के गेट के ऊपर सी जैसा बना लेते हैं, उस पर बहुत अच्छी लगती है। आप बालकनी वगैरह पे चढ़ाएंगे तो एक तो छाया हो जाएगी, क्योंकि फॉलेज बहुत होता है, फूल बहुत आता है, और दूसरे वहाँ से मक्खी मच्छर भी आने बहुत कम हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गई इसकी मतलब लोकेशन की बात। नेक्स्ट आती है इम्पॉर्टेंट चीज़, वाटर। तो फ्रेंड्स, पानी इसमें सभी बेलों को पानी बहुत चाहिए होता है, इसको भी चाहिए, तो मिट्टी इसकी हल्की सी स्लाइट सी मॉइस्चर है बस, मतलब बिल्कुल आप मिट्टी बिल्कुल सूखने तक की रास्ता ना देखें। देखिए, ये जो अभी है ना, अभी इसको मैंने पानी नहीं डाला है, 3 दिन से इसमें पानी नहीं डाला है ना, और विंटर्स हैं तो अभी वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप देख रहे हैं अभी इसमें डाला नहीं, अभी 1-2 दिन और नहीं डालूंगी इसमें पानी। तो टॉप सॉइल इसकी जब सूख जाए तब पानी डालिए। नेक्स्ट आता है इसका फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली इसमें फूल तो 2 बार बहुत भर के आते हैं, 1 बार बारिश में और 1 बार ठंड में, ठीक है, और खूब मतलब लदी रहती है फूलों से। और जब भी आप इसके लगाने के लिए पॉट ले रहे हैं तो पॉट गहरा लीजिए, ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट आपका बड़ा हो, जैसे बकेट होए या वो ब्लू वाले ड्रम्स होते हैं ना उस तरह की, क्योंकि इसकी रूट टैप रूट होती है, काफ़ी लंबी गहराई में जाती है, सीधी सीधी नीचे जाती है, ऐसी शेलो रूट्स नहीं होती कि ऊपर ऊपर हो गए, ऐसी नहीं होती, गहरी रूट जाती है, तो ड्रम आपका बड़ा होना चाहिए। अभी हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के टाइम में आपको इसको एवरी 15 डेज में फर्टिलाइज़र देना है, जैसे कि अक्टूबर से
सितंबर अक्टूबर से इसकी शुरू होती है, तो हर 15 दिन में आप इसकी फ्लावरिंग दीजिए, मतलब फ्लावरिंग हो रही है तो फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत हो रही है तो एनर्जी भी प्लांट की उतनी लग रही है, तो आपको कुछ तो उसे देना पड़ेगा ना, जिससे कि उसके फूल बराबर खिलते रहें, है ना। तो फर्टिलाइज़र ये हो गया, और बाकी समझिए आप समर से स्टार्ट होते थे इसके मतलब फूल कम हो जाते हैं, है ना, और जैसे पीक पे होती है समर, समझिए अप्रैल के मिड अप्रैल से लेके, तो इसमें फिर फॉलीज रह जाता है, पत्तियाँ खूब रह जाती हैं, फूल आने बहुत कम इक्का दुक्का फूल लगते हैं, अदरवाइज फूलों की चादर सी रहती है पूरे टाइम जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसकी प्रोपोगेशन, तो फ्रेंड्स इसकी प्रोपोगेशन बहुत आसान है, आप ये इसकी जो ये सेमी हार्डवुड की कोई भी कटिंग ले लीजिए, 7-8 इंच की लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें पत्ते काफ़ी दूर दूर होते हैं, एक इधर है नोड तो एक इधर है, तो आपको कम से कम एक नोड तो दो नोड तो मिट्टी के अंदर जाएं और एक दो नोड ऊपर रहें, इतनी लंबी आपको कटिंग लेना पड़ेगी, और बारिश के दिन में आप इसे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से लग जाती है ये। इसके नेक्स्ट आता है कि इसमें पेस्ट वगैरह कैसे लगते हैं और उनको कैसे रोका जाता है, तो फ्रेंड्स क्योंकि इसमें लहसुन की सी स्मेल आती है इसकी पत्तियों में, पत्तियाँ जब हम तोड़ के सूंघते हैं ना, ऐसे तोड़ के और सूंघते हैं तो इसमें से स्मेल आती है लहसुन जैसी, इसीलिए इसका नाम गार्लिक वाइन या लहसुन या बेल बोलते हैं, और इसके कारण इसमें पेस्ट वगैरह बहुत कम लगते हैं, लेकिन जैसे रेगुलर बाकी प्लांट्स पे हम कर रहे हैं स्प्रे अपना नीम ऑयल और डिश वॉश का, सेम इस पे करते रहेंगे तो जो लगने वाले भी होते हैं वो भी नहीं लगेंगे, ठीक है। और ये बेल काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर में अगर लगाते हैं तो 3rd मंजिल तक आराम से चली जाती है, आपको सपोर्ट ही देना होगा बीच बीच में इसको, है ना, जहाँ आपको घना रखना वहाँ घना रखिए, जहाँ आपको कम करना है आप सफाई कर दीजिए, उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, है ना, तो ये इतनी बेताशा बढ़ती है। फ्रेंड्स जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर की, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।